Assalamu alaikum, my dear students. In this very playlist, where we are going to talk about the genetics and evolution for class 12. In previous videos, we talked about the sex determination. And today, we shall talk about another topic, that is inheritance of diseases like hemophilia and color blindness. इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. इन पार्ट वन वी विल टॉक अबाउट द हीमोफीलिया ओनली एंड दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की. सो लेट्स टॉक अबाउट द हीमोफीलिया. सो हीमोफीलिया, जिसे हम ब्लीडर्स सिंड्रोम भी कहते हैं, ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. एक्स लिंक्ड मीन्स इसका जीन जो है वो एक्स क्रोमोजोम पे होता है एंड इट्स रिसेसिव, दैट मीन्स ये बिहेवियरली रिसेसिव है. तो ये अपना असर सिर्फ तभी दिखाएगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा. इसे डिस्कवर किया गया था बाय जॉन ऑटो इन 1803. हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स सिंड्रोम भी कहते हैं और वो इसलिए क्योंकि इसमें जो एक्सपोज ब्लड होता है, यानी जो इंजरीज की वजह से ब्लड एक्सपोज होता है, उसमें कॉगुलेशन या क्लॉटिंग नहीं होती, जो होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. ये नटशेल में. नाउ क्लॉटिंग क्यों नहीं होती उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा हीमोफीलिया इज ऑफ टू टाइप्स, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी. जो हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया ए होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8. क्लॉटिंग फैक्टर 8, जिसे हम दूसरे एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन. दूसरा टाइप बी हीमोफीलिया, ये होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9. क्लॉटिंग फैक्टर 9 को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्ट. सो इन नटशेल, हीमोफीलिया होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्ट या फिर एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन, और मैंने दोनों टाइप्स आपके सामने रखे. इस हीमोफीलिया को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज रॉयल डिजीज. वो इसलिए क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के थ्रू से ये यूरोप की कई रॉयल फैमिलीज में ट्रांसफर हो गई थी या ट्रांसमिट हो गई थी. अब एक और चीज को समझने की जरूरत है. हमने पहले ही कहा इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव. अब एक्स लिंक्ड का मतलब सिंपली मैंने समझा दिया कि ये एक्स क्रोमोजोम पे अटैच्ड होता है. एक्स क्रोमोजोम पे जो जीन्स होते हैं विच कोड फॉर दी थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड हीमोफीलिया ग्लोबुलिन, उनमें अगर कोई डिफेक्ट है तो फिर होता है एक एक्स पे हम लिखते हैं कि इस पे इसके पास हीमोफीलिया जीन है, दैट मीन्स अ डिफेक्टेड हीमोफीलिया जीन. सो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द एक्स क्रोमोजोम एंड उसका सुपरस्क्रिप्ट एच. सो एक्स एच लिखते हैं हम उसे. और फीमेल्स में चूंकि दो एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, अगर एक एक्स पे हीमोफीलिया का डिफेक्टेड जीन है और दूसरा एक्स नॉर्मल है, इसे हम कहते हैं हेमिजाइगस कंडीशन. दिस हेमिजाइगस कंडीशन कॉजेस द फीमेल टू बी ए कैरियर. तो वो फीमेल जो है सिर्फ एक कैरियर बनती है, उसे डिजीज का कोई सिम्टम नहीं दिखता, वो साइलेंट कैरियर. और अगर फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोजोम्स पे जो हीमोफीलिया के जीन्स है वो डिफेक्टेड है, दैट मीन्स एक्स एच और एक्स एच लिखा जाएगा उस कंडीशन में, तो फिर वो फीमेल जो है वो डिफेक्टेड होगी. लेकिन वो फीमेल आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि वो फीमेल जो है उसकी डेथ होती है विद इन द वोम्ब ऑफ मदर, प्रीनेटल डेथ, जन्म से पहले ही मर जाती है. अब अगर बात करेंगे मेल्स की, मेल्स में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है और दूसरा तो उसमें वाई क्रोमोजोम होता है, सो हेमिजाइगस कंडीशन वेयर ओनली सिंगल एक्स क्रोमोजोम इज देयर, अगर उसी एक्स क्रोमोजोम पे हीमोफीलिया डिफेक्टेड जीन होगा, द पर्सन द मेल विल बी डिफेक्टेड. तो इसे समझने की बहुत जरूरत है. अब हम आएंगे अपने एक्चुअल टॉपिक पे, जो है हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस. आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे होगा ये हीमोफीलिया का डिजीज ट्रांसमिट, ये मेंडल्स इनहेरिटेंस की तरह से ये इनहेरिट कैसे होगा. सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट केस, दैट इज मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल. याद रखें इस वक्त हमारे पास नॉर्मल मेल है
नॉर्मल मेल में ऑटोसोम सेट के साथ जो सेक्स क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन है वो होता है एक्स एंड वाई। एंड अगर हम फीमेल की बात करेंगे, वो जो कि हमारे पास इस वक्त कैरियर है, सो इट इज कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। और कैरियर फीमेल का मतलब इसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम है वहां हीमोफिलिक कंडीशन है, हीमोफिलिक जीन, एंड दूसरा एक्स नॉर्मल है। लेट्स मेक द गैमिट्स। जब गैमिट्स बन जाएंगे तो यहां हम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए दो दो गैमिट्स बनाते हैं, जैसा आप मेंडल्स इनहेरिटेंस में अक्सर करते हो। सो एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा इनटू वन ऑफ द गैमिट्स एंड वाई क्रोमोसोम जाएगा इनटू अनदर गैमिट्स। और यहां हीमोफिलिक एक्स जाएगा एक गैमिट में, एक एग में, एंड दूसरा नॉर्मल एक्स जाएगा दूसरे एग में। लेट्स टॉक अबाउट नाउ कि यहां जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो कैसी। कॉम्बिनेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगी तो ऑफस्प्रिंग किस कॉम्बिनेशन के होंगे। सो लेट्स मेक अ पिनेट स्क्वायर टू एक्सप्लेन दिस कंडीशन। वी विल मेक अ पिनेट स्क्वायर टू एक्सप्लेन दिस कंडीशन। ये एक्स गैमिट और ये वाई, दैट मींस स्पर्म विद एक्स, स्पर्म विद वाई। और यहां पर हम बनाएंगे स्पर्म, सॉरी एन एग विद एक्स हीमोफिलिक कंडीशन एंड एन एक्स विच इज नॉर्मल। अब हम इनको आपस में क्रॉस कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। इफ दिस हीमोफिलिक पर्टिकुलर एक्स क्रोमोसोम विल फर्टिलाइज द नॉर्मल एक्स, सो क्या होगा, यहां पर जो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा इट विल बी एक्स एक्स एच। So what should be the combination? सबसे पहले एक्स एक्स है, ये तो फीमेल है, लेकिन ये एक्स जो है ये हीमोफिलिक एक्स है, एक और दूसरा नॉर्मल है, दैट मीन्स हीमोफीलिया इज इन हेमिजाइगस कंडीशन। सो वट शुड बी योर गैस, आपका गैस होना चाहिए ये है तो फीमेल लेकिन हीमोफीलिया इज इन हेमिजाइगस कंडीशन, दैट मीन्स ये कैरियर है, फीमेल कैरियर। पहला, लेट्स सी द केस नंबर टू। अगर ये हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम जो है ये फर्टिलाइज, यानी ये गैमिट है, ये फर्टिलाइज हो जाता है विद द वाई, ओके, सो अगेन इट विल बी एक्स एच एंड वाई। सबसे पहले एक्स वाई है, इट विल बी द मेल, इट विल बी द मेल। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि एक्स जो है वो नॉर्मल नहीं है, इट्स विद हीमोफीलिया, सो इट विल बी द पर्टिक्यूलर हीमोफिलिक मेल, मेल who is hemophilic. So condition number two हो गई, condition number two हो गई male hemophilic. Condition number three, इस X को इससे fertilize कराते हैं, it's normal XX, female normal. So condition number three is normal female, normal female. Condition four similarly, X and Y, ये तो boy है but ये क्या है, normal boy, नॉर्मल मेल। तो चिल्ड्रन का हम हिसाब लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, चार पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें, 25% चांसेस आर दियर कि फीमेल कैरियर पैदा हो जाएगी, फीमेल चाइल्ड विल बी कैरियर। फिर 25% चांसेस मेल चाइल्ड विद हीमोफीलिया, 25% चांसेस नॉर्मल बॉय एंड 25% नॉर्मल गर्ल। तो ये चार पॉसिबिलिटीज है व्हेन द मैरिज इज बिटवीन द कैरियर फीमेल एंड अ नॉर्मल मेल। लेट्स सी द कंडीशन नंबर टू। इट इज द मैरिज बिटवीन हीमोफिलिक मेल, इस वक्त मेल हीमोफिलिक है एंड फीमेल जो है वो नॉर्मल है। मैरिज बिटवीन, इस वक्त मेल है हीमोफिलिक, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल एंड इस वक्त फीमेल जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल, ओके। चलिए कंडीशन देखते हैं पेरेंट्स का। पहले देखेंगे मेल पेरेंट, मेल क्या है, हीमोफिलिक है, तो
तो मेल पेरेंट अगर हीमोफिलिक है, इसके एक्स क्रोमोसोम पे डेफिनेटली होना चाहिए एक्स विद हीमोफीलिया सुपरस्क्रिप्ट एक्स, और वाई जो इसका होना चाहिए वो तो नॉर्मल ही होगा बिकॉज इट्स एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। ओके, अब अगर हम फीमेल को देखें, फीमेल पेरेंट, उसमें वो तो नॉर्मल है, तो दैट मीन्स उसमें दोनों एक्स नॉर्मल। लेट्स हैव अ पिनेट स्क्वायर, पहले गैमिट्स बनाएंगे। जब हम गैमिट्स बनाते हैं, यहां पर एक स्पर्म में जाएगा एक्स विद हीमोफीलिया, दूसरे गैमिट में जाएगा वाई, और यहां अगर हम गैमिट्स बनाएंगे, एक गैमिट में जाएगा एक्स, दूसरे में जाएगा एक्स। शाबाश बेटा, इस वक्त जो एक्स है वो दोनों जगह पे नॉर्मल है, यानी एक्स यहां भी नॉर्मल, यहां भी नॉर्मल, बिकॉज फीमेल नॉर्मल है, जेनेटिकली फीमेल जो है वो नॉर्मल है। खैर, आगे बढ़ते हैं, चलें पिनेट स्क्वायर बनाते हैं। ओके, चार कंडीशन, चार पॉसिबिलिटीज, और क्या होगा आगे वो देखेंगे हम जब हम गैमिट्स को यहां पे अपने अपनी जगह पे ऑर्डर में रखेंगे। सो पहले मेल गैमिट्स को रखेंगे, ये एक्स विद हीमोफीलिया एंड वाई नॉर्मल, फीमेल गैमिट्स रखेंगे एक्स एंड एक्स। चले अब क्रॉस करते हैं, एक्स एंड एक्स विद हीमोफीलिया, ये कॉम्बिनेशन अगर हो गई, यानी अगर इस गैमिट को, इस एग को इस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, इस एग को इस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, सो कंडीशन विल बी एक्स विद एच एंड एक्स नॉर्मल। हियर द कंडीशन इज एक्स एंड एच, एक्स विद एच, एक्स विद हीमोफीलिया एंड एक्स नॉर्मल। हीमोफीलिया है मगर हेमिजाइगस कंडीशन में, हीमोफीलिया है हेमिजाइगस कंडीशन में, दैट मींस 50% ऑफ द एक्स, वन ऑफ द टू एक्सेस इज हैविंग हीमोफीलिया, अदर इज नॉर्मल, सो इट इज अ कैरियर गर्ल, कैरियर गर्ल, इसको बीमारी नहीं होगी मगर आगे बढ़ाएगी। नाउ अगर ये एक्स जो है ये फर्टिलाइज हो गया विद वाई, नॉर्मल बॉय, नॉर्मल बॉय, फाइन। उसके बाद अगर ये एक्स इस एक्स से फर्टिलाइज हो गया, अगेन द सेम कंडीशन, एक्स एच विद एक्स जैसे ऊपर था, सो इट्स विल बी द कैरियर गर्ल, ये टेंशन की बात है बिकॉज 50% चांसेस ऑफ द कैरियर गर्ल। ओके, एंड एक्स वाई दैट इज द नॉर्मल बॉय। सो अगर मेंडल्स इनहेरिटेंस देखेंगे, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक नॉर्मल बॉय, तो अगर बॉय पैदा हो गया, अगर लड़का हुआ तो डेफिनेटली नॉर्मल होगा, 50% चांसेस, और अगर गर्ल थी तो शी विल बी द कैरियर गर्ल, कैरियर गर्ल। दो पॉसिबिलिटीज, नॉर्मल बॉय, कैरियर गर्ल, लड़का हुआ तो नॉर्मल, लड़की हुई तो कैरियर, ये दो पॉसिबिलिटीज है, सो 50-50% चांसेस। सो दिस वॉज द कंडीशन वेयर द मैरिज इज बिटवीन द हीमोफिलिक मेल एंड द नॉर्मल फीमेल। लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन नंबर थ्री। इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि बोथ द पेरेंट्स शुड बी डिफेक्टेड, तो उसके लिए क्या करें, देयर विल बी द मैरिज बिटवीन हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल यानी मेल पेरेंट विद हीमोफीलिया, राइट, एंड फीमेल, सोचो अगर वो भी हीमोफीलिया वाला पेशेंट होगा, इफ द फीमेल इज विद हीमोफीलिया, कंप्लीट हीमोफीलिया, Will she be alive? No, it's not possible. इसीलिए हम hemophilic female नहीं लिख सकते, बल्कि carrier female लिख सकते हैं. And carrier female, यहां पर क्या होगा, चलिए पहले parents की बात करेंगे, male parent and female parent, and female parent, male parent and female parent. मेल पेरेंट का जेनेटिक मेकअप बताइए, शाबाश, मेल पेरेंट जो है वो हीमोफिलिक है, मेल इज हीमोफिलिक, दैट मींस उसके एक्स क्रोमोसोम पे एच है हीमोफीलिया एंड वाई क्रोमोसोम तो नॉर्मल। ओके, अब तो हमें याद है कि फीमेल जो है वो कैरियर है, उसके भी एक एक्स पे हीमोफीलिया, दूसरा एक्स नॉर्मल, फाइन। अब बनाइए गैमिट्स, अब मुझे बताना नहीं पड़ना चाहिए, अब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा कि ये जो गैमिट्स बनाएंगे, ये दो तरह के गैमिट्स बनाएंगे, एक एक्स, एक गैमिट में एक्स विद हीमोफीलिया, दूसरे गैमिट में वाई नॉर्मल, एक गैमिट में एक्स विद हीमोफीलिया, दूसरा गैमिट एक्स बट नॉर्मल, क्लियर,
इट्स क्वाइट इजी, प्रेटी मच इजी टू अंडरस्टैंड. अब हम बताएंगे एक कंडीशन, यानी अब हम बनाएंगे यहां पे पिनट स्क्वायर. सो पिनट स्क्वायर बनाने के वक्त हमें यह ख्याल रखना है कि अब हमें गैमिट्स बनाने हैं. और मुझे पता है मेल में एक गैमिट डिफेक्टेड, फीमेल में एक गैमिट डिफेक्टेड. तो यहां पर एक्स विद हीमोफीलिया एंड वाई नॉर्मल, ये तो हो गए मेल गैमिट्स. इस साइड में फीमेल गैमिट्स, दैट मींस एच विद एक्स विद हीमोफीलिया एंड एक्स नॉर्मल. अब क्रॉस कीजिए एक्स एच एक्स एच. एक्स एक्स मींस मेल की फीमेल, शाबाश ये फीमेल है. लेकिन एक्स विद एच दैट मींस हीमोफिलिक एंड एक्स विद हीमोफीलिया. सो दैट मींस यहां पर हीमोफीलिया है होमोजाइगस कंडीशन में, यानी दोनों गैमेट्स जो हैं वो इक्वल, वो सिमिलर हैं, यानी दोनों गैमेट, दोनों जीन्स जो हीमोफीलिया के हैं वो डिफेक्टेड है. सो दैट मींस शी विल बी डिफेक्टेड फीमेल, मगर वो जन्म ही नहीं लेगी. सो पहला कंडीशन डिफेक्टेड गर्ल, हीमोफीलिया की डिफेक्ट वाली गर्ल, लेकिन वो जन्म नहीं लेगी, उससे पहले मर जाएगी. ओके नाउ एक्स एच विद वाई, ये होगा हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक बॉय. सो दूसरा कंडीशन हीमोफिलिक बॉय, कंडीशन नंबर थ्री एक्स विद एच एंड एक्स नॉर्मल. This is the carrier girl. So carrier girl. And another condition XY, that means normal boy. So condition number next is normal boy. So what are the four possibilities? Hemophilia girl, she will die. Hemophilic boy, carrier girl and normal boy. ये है जिन्हें हम कहते हैं पॉसिबिलिटीज व्हाइल देयर इज द मैरिज बिटवीन हीमोफिलिक मेल एंड द कैरियर फीमेल. सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट हीमोफीलिया एंड इट्स इनहेरिटेंस. ओके सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम.